तो आप देख पा रहे हैं ये सभी की जागरूकता के लिए है, उसी के बारे में हम समझाते रहते हैं किसान। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दीपांशु गोस्वामी और आप देख रहे हैं हापुड़ ब्लॉग। तो आपको पता है कार्तिक मेला लग रहा है, तो मैं वहीं पर आया था और मैंने आपको वहाँ पे वीडियो दिखा चुका हूं ऑलरेडी। तो जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं अंदर मेला लग रहा है, कृषि मेला, उसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें दिखाने वाला हूं, उनसे मैं बात कराऊंगा। तो इस मेले के अंदर काफ़ी चीज़ें जानकारी मिल दी जाएगी आपको और उसके बारे में काफ़ी जागरूक किया जाएगा आपके आपको। तो उसको हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं प्रॉपर और देते हैं प्रॉपर जानकारी। तो अभी हम इसी कृषि मेले में आए हुए हैं और हमारे साथ हमारे भाई हैं, वो हमें बताएंगे कि ये कृषि मेला क्यों लगाया जाता है। इसमें किसानों को हम जो बाहर से आते हैं, दूर दूर से किसान आते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई अपने किसानों का खर्चा कम किया जाए और आय दोगुनी की जाए। पहले तो ये कृषि का जो हमारा प्रसार का ऑफिस है, इसी बात को जगह जगह गाँवों में अपनी गोष्ठी करते हैं और किसानों को समझाते हैं हम। और एक हमारा भूमि परीक्षण प्रयोगशाला जो मिट्टी की जांच की जाती है, उसके बारे में जो उसके 12 पैरामीटर हैं उन्हें निकालते हैं और उसे किसानों को उसके बारे में फिर समझाया जाता कि आपके खेतों में इस पोषक तत्व की कमी है, आप इसे डालें, ज़्यादा फिजूल खर्च ना करें। तो उसी के बारे में हम समझाते रहते हैं किसानों को। यही हमारा यहाँ मैं गढ़ मेले में लगाने का उद्देश्य है। हाँ, मोबाइल नंबर राजवीर सिंह, राजवीर सिंह नाम है मेरा और मैं हापुड़ गुरुद्वारे के सामने कृषि विभाग का ऑफिस है, वहाँ मेरी पोस्टिंग है लैब में। मोबाइल नंबर लिखो 99 27 39 58 37। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, ये देख पा रहे हैं आप, इन्होंने इन्हीं को समझाने के लिए रख रखा है कि कोई हमारा किसान भाई काम अगर चाहता है, मतलब उसे उसके प्रति रोज़गार जो है समझाना कि भाई ये किसान का कैसे अपना बचाए और आय के काम कैसे करे। और ये इन्होंने जो रख रखे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि मिट्टी के जो है नापना मापना कि कैसी है, वो सबके दिखते रहे और दिखते रहिए हमारा चैनल हापुड़ ब्लॉग, बाकी आपको आगे का घुमाते हैं। ये बेसिक शिक्षा हापुड़ जनपद से हैं और इसमें सभी बच्चे ये पहली क्लास से लेके 8 क्लास तक की बुक से हैं। ये TLM बना हुआ है जो टीचरों ने हाथ से बनाया हुआ है, इसमें सभी बच्चों के लिए है। बेसिक शिक्षा विभाग में जो बच्चों के लिए DBT के माध्यम से पैसा भी आया है, उनके लिए कार्य चल रहा है, अभी भी पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र हुआ है पेरेंट्स के। उसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए TLM बना हुआ है बहुत अच्छे से, बच्चों के लिए इसमें ये TLM है, नंबर्स हैं। ये दिव्यांग बच्चों के लिए है, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, उनके लिए ब्रेल किट है, ब्रेल बुक हैं। और जो बच्चे मानसिक मंद होते हैं या अस्थि शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए भी है। ये सारा TLM है और बच्चों की एक्टिविटी के लिए बहुत सारे आइटम हैं, ये बुकलेट भी हैं उनके लिए। ये हाथ से बनाए हुए पहाड़े हैं, यानी बच्चों के लिए TLM बनाया हुआ है, इस तरीके से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बच्चे इजी आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये जो मिसाइल है इसरो का, इसे अजय सर ने प्राथमिक विद्यालय सरावनी से विकासखंड सिंभावली से बनाए हुए हैं और इन्होंने इसके मतलब इसमें कई चीज़ें बनाई हैं, जैसे मिशन शक्ति का भी इन्होंने बनाया है और TLM बनाए हैं, संख्या जोड़ने के लिए मतलब बनाए हैं, इसमें घटाव जोड़ के हैं, इसमें संख्या आगे पीछे होती रहती है। और ये भी TLM देखे संख्या के लिए बनाए हैं, इसे मतलब घुमा के इनकी संख्या पूरी की जाती है, जैसे जो भी करना हो 4 अंक की संख्या इससे हो जाती है। मैं शिक्षा विभाग के बारे में आपको सूचना देना चाहता हूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, ये सभी की जागरूकता के लिए है।
इसमें जो भी पेरेंट्स, जो अभिभावक अपने बच्चों की जानकारी के लिए, पढ़ाई के लिए कोई भी जानकारी करना चाहते हैं, तो उनके आसपास जो भी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल हैं, उसमें जो अध्यापक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं और हमारे हर ब्लॉक में बेसिक शिक्षा विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। फिर हमारे जनपद में, जनपद हापुड़ में चितौली में हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में आज के समय में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ पर ये बहुत अधिक संख्या में TLM बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे से हरी सभी कार्य अच्छे से चल रहे हैं। बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों के विकास के लिए शिक्षा विभाग में बहुत अधिक कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है सभी बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बैग्स, बुक्स, जूते, ड्रेस सभी सामान अच्छे से बहुत अच्छी उसमें मिल रहा है। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? सो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना। ये जो वीडियो है आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाई गई है, सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।